वेलकम टू फूड हैपन विद हमीद। सलाम वालेकुम, फूड हैपन विद हमीद वेलकम करता हूँ। कैसे दोस्तों, खैरियत से, ठीक ठाक है? आज दोस्तों डिजर्ट किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है दोस्तों। आज पम्पकिन डिजर्ट बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, पम्पकिन मीठा कद्दू के हलवा। इसको ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, बहुत मज़ा है आता है दोस्तों इसको। मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और आगे पूरा इसका सीरीज चलाऊंगा इंशाल्लाह। मुख्तलिफ किस्म के अंडे का हलवा वगैरह तमाम चीज़ें इंशाल्लाह, चने के हलवा, खीर वगैरह इंशाल्लाह। आज दोस्तों पम्पकिन हलवा इंशाल्लाह बनाऊंगा दोस्तों, इसको सीखिए ज़रूर, बनाइएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद मी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस पम्पकिन को मैंने काट लिया है और इसको हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह। इसको मैं डालता हूँ, आप चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा मैं मसाला इसमें ऐड करूँगा, एक तेज़पत्ता और ये दो इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। बाद में इसको हम रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। अब मैं डालूँगा इसमें दूध जो कि फ्रोज़न है दोस्तों, ये फ्रेश मिल्क है। ओके दोस्तों, इस मिल्क के साथ इस पम्पकिन को पकाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ज़बरदस्त स्वीट बनेगा इंशाल्लाह ये पम्पकिन हलवा, मैं बना के आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। सो स्टे विद मी दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, देख सकते हैं ये दूध हमारा बिल्कुल खुशक हो चुका है। ये जो मसाला था इसको मैं रिमूव करूँगा, दालचीनी और बाय लीफ जो है इसको मैं रिमूव करूँगा, इसका काम हो गया। साथ साथ भुनाई भी करूँगा और इसको क्रश करते जाऊँगा इंशाल्लाह। हाफ कप चीनी इसमें ऐड करूँगा दोस्तों, अब इस चीनी के साथ साथ इसको पकाऊँगा इंशाल्लाह। और तकरीबन ये हमारा ये मेल्ट हो चुका है, आस्ता आस्ता थोड़ा और मेल्ट होगा, बहुत ज़्यादा भुनना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा बटर और देसी घी भी इसमें ऐड करूँगा, थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, ये भी रिमूव हो जाए, सूख जाए, फिर इंशाल्लाह बाकी का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, इसमें एक और तरकीब करूँगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा चीनी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, फ्राई पैन के ऊपर डाल दिया। मैं इसको कैरामेल बनाऊँगा और इस हलवा में ऐड करूँगा ताकि इसका टेक्स्चर ज़बरदस्त आए। थोड़ा सा ज़्यादा सा पानी इसमें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इंशाल्लाह कैरामेल बन जाएगा। दोस्तों ये देख चुके हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये बिल्कुल कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये इस स्टेज पे बिल्कुल ओके है। थोड़ा सा इसमें जस्ट इसका फ्लेवर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आने वाला है इसमें इंशाल्लाह। अब मैं इसको चूल्हा को बढ़ा दूँ, ओके दोस्तों पानी तकरीबन सूख चुका है, पानी सूख गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं क्रश करूँगा और इसको भुनाई करूँगा। मेरे पास दोस्तों ये अलमराई कंपनी के देसी घी है, अलमराई की देसी घी है, इसको मैं इंशाल्लाह इसमें ऐड करूँगा दो चम्मच, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। ओके ओके दोस्तों, ये मेरे पास पाउडर मिल्क है 200 ग्राम, इसको भी ऐड करूँगा। बिल्कुल ये खोए के काम करेगी इंशाल्लाह, ताकि ये एक्स्ट्रा खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब इसमें एक्स्ट्रा दूध भी शामिल कर दिया हमने, खोया प्लस देसी घी, गाय वाला, गाय के दूध के घी है ये अलमराई कंपनी के। अब सिर्फ एक ही काम है, इसको चलाना है और बहुत अच्छी तरह से इसको भुनाई करना है। दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह से भुनाई करना है, हल्की आंच पे भूनते जाए भूनते जाए, इसका कलर बिल्कुल ब्राउनिश हो जाए, बिल्कुल कच्चापन और इसके जो
पम्पकिन की जो एक मिठास है वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी जो खीर के जायका होगा इंशाल्लाह, चीनी की जो जायका होगा, कैरामिल का जो जायका होगा वो इंशाल्लाह बना रहेगा। इसमें बहुत अच्छी तरह से भुनाई करना पड़ेगा दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा भुनना पड़ेगा आप पेशेंट के साथ। आप बहुत चीनी और दूध और मावा खोया तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको देसी घी के साथ इसको भूनना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। गार्निशिंग के लिए दोस्तों बादाम, कोकोनट, साथ ही किशमिश वगैरह अपने हिसाब से काजू वगैरह डाल सकते हैं आप। थोड़ा अभी और बाकी है दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी, ये बिल्कुल मेरे साथ साथ हलवा ये बिल्कुल घूम रहा है पैन के अंदर। इसका मतलब है कि नीचे से ऑयल रिलीज़ कर रही है। बिल्कुल ये हो चुका है तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह, कोई भी एसेंस वगैरह कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल इसका जायका है। बहुत उम्दा खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर बनाए अपने लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, मेहमान के लिए, गेस्ट के लिए, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट में मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसके इसमें आप अपने हिसाब से दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूध भी ऐड कर सकते हैं, खुशक दूध, मावा वगैरह और भी ज़्यादा आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। गार्निशिंग के लिए बाद में भी आप फ्रूट्स वगैरह, क्रीम वगैरह ऐड कर सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं डिश आउट करके इसको आपको दिखाता हूँ। ये फाइनल ही डन है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रहे, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेता हूँ। ये कोकोनट है और साथ ही किशमिश है और थोड़ा सा बादाम है, इसमें डाल दूँ मैं दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और मुझे कमेंट में फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।